हेमंत सरकार 29 दिसंबर को अपना एक साल पूरा करेगी। एक साल होने पर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, लेकिन बीजेपी इस दिन आरोप पत्र जारी करेगी। देखिए रिपोर्ट। 30 दिसंबर को झारखंड की हेमंत सरकार एक साल के काम का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समीक्षा मोड में हैं और एक एक विभाग के काम की खुद समीक्षा कर रहे हैं। सरकार के पास एक ओर जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने की लंबी फेहरिस्त है, तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार के कार्यकाल को विफल बता रही है, जिसे लेकर वह आरोप पत्र जारी करेगी, जिसे महागठबंधन ने सत्ता से बेदखल होने की डीस में सुर्खियों में बने रहने की राजनीति इसे बताया है। समीक्षा हो ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कार्ड पेश करेंगे नहीं करेंगे, सत्ता से जब बेदखल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कुछ ना कुछ करते रहे, और भारतीय जनता पार्टी के पास हमको नहीं लगता है ये कोई इशू है अभी, और हमने देखा भी है, आप लोग भी देखे हैं कि हालों के दिनों में उन लोगों ने कहा कि ये सरकार आने के बाद कुछ काम नहीं किया, लेकिन जनता ने फिर हमें आशीर्वाद दिया। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का दावा है कि जनता सरकार के काम से संतुष्ट है। कोविड के संकट काल में जहां अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, हेमंत सरकार ने तमाम बाधाओं के बावजूद बेहतर काम किया है। लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। हेल्थ सबसे चौपट था पिछली सरकार के समय में, एक वेंटिलेटर नहीं कहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, दवाओं की व्यवस्था नहीं। इस कोरोना संकट के समय में सरकार ने सभी जगह पूरा किया। इसी तरह से अन्य विभागों में जितने सरकार के विभाग हैं, मंत्री जी के पास जितने भी विभाग हैं, सबों में एक सीमा रख लीजिए, जो कोरोना का संकट के चलते जो हुआ उसको हम लेकर लिमिटेशन मान लेते हैं, इसके बाद काम अच्छे हुए। राज्य सरकार विकास कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है, वहीं बीजेपी सरकार को एक साल के काम पर सवाल उठाते हुए घेरने की रणनीति बना रही है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तो जारी रहेगा, लेकिन इन सब के बीच जनता इस उम्मीद में है कि 29 तारीख को हेमंत सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करने के साथ सूबे को क्या क्या सौगात देने वाली है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। 29